निंग स्टूडेंट आई एम कुलदीप सिंह कंप्यूटर टीचर टूडेट आज हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपलाइंग सेल एंड रेंज नेम तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है नेमिंग ए रेंज हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कोई एक हमने सेल के अंदर कुछ कॉलम के अंदर कुछ सेल को हमने सेलेक्ट किया और उसका एक ग्रुप बना दिया और ग्रुप को हम यहाँ पर एक नाम दे रहे हैं जिसको हमने क्या डिफाइन किया है कि नेमिंग ए रेंज अगर हम यहाँ पर देखें फॉर एग्जांपल कि हमने यहां से बी टू से बी सेवन तक एक सेल कॉम्बिनेशन हमने यहां बनाया है ग्रुप बना दिया सेल का जिसको हम ग्रुप नेम यहां पर कुछ देने वाले हैं इसी को हमने नाम दे दिया नेमिंग तो कैसे हम यहां पर सेट करते हैं नेमिंग ये हम देख लेते हैं फर्स्ट सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल दैट वी वांट टू नेम लेट अस टू बी सेवन सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस सेल को हमें नेम देना है जिस रेंज को हमें नेम देना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे ऑन द फॉर्मूला टैब फिर हम कहां जाना है हमें फार्मूला टैब में जाना है इन द डिफाइंड नेम्स ग्रुप फार्मूला टैब पर डिफाइंड नेम ग्रुप्स के अंदर हमें डिफाइन नेम ऑप्शन में क्लिक करना है जहां पर आप हमारे लिए न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इन द नेम फील्ड एंटर द नेम दैट यू वांट टू स्पेसिफाई फॉर द रेंज सेल्स यूनिट्स सॉल्व नेम फील्ड में हमें अपना नेम एंटर करना है जो कि हम सेल रेंज को यहाँ पर देने वाले हैं यहाँ पर हमने बुक के अकॉर्डिंग यूनिट हाइफन सोल्ड यहाँ पर नाम हमने दे दिया है इन द स्कोप कॉम्बो बॉक्स स्पेसिफाई अवेलेबिलिटी ऑफ ए रेंज नेम बाय चूजिंग वर बुक नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इन द स्कोप कॉम्बो बॉक्स में हमने यहाँ पर जो हमारी रेंज नेम थी उसको हमने चुछ, कैसे चूज किया है हमने वर्क बुक के नाम से अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया है इफ यू वी वॉन्ट टू दिस नेम टू बी नोन टू ऑल दीट्स इन दर्क बुक इन यू वांट टू लिमिट द स्कोप ऑफ द नेम टू पर्टिकुलर वर्कशीट ओनली द सेलेक्ट द नेम ऑफ द वर्कशीट कॉम्बो बॉक्स को हम अगर बुक के नाम से जाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इसको कॉम्बो बॉक्स में दे दिया वर्कबुक राइट सम टेक्स्ट इन द कमेंट सेशन यहाँ पर अगर हमें कोई कमेंट यहाँ पर देना है तो हम कमेंट बॉक्स में यहाँ पर अपना कुछ भी कमेंट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं इफ यू वांट टू अटैच सम कमेंट विद दिस नेम जो भी हम इस नेम के साथ यहाँ पर कमेंट एड करना चाहते हैं इफ द इन द

नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूजिंग ए नेम रेंज लेट अस देन अब क्रिएट नेम यूनिट सोल्स इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टोटल स्केल हमने जो पहले अब अब हमने यहां पर एक रेंज नेम दिया था जिसका हमने नाम लिया था यूनिट सोल्व तो हम यहां पर उसका टोटल करने जा रहे हैं हम यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे कैसे हम जो हमने रेंज नेम बनाया था उसको कैसे हम फॉर्मूला में अप्लाई करने जाएं तो क्लिक ऑन द सेल बी एड यानी हमें जो नेक्स्ट सेल में क्लिक करना है एंड टाइप इज़ इक्वल टू सम और डाउन एरो ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब एंड सेलेक्ट द नेम यूनिट सॉल्व फ्रॉम द डिस्प्ले लिस्ट हमें क्या करना है सम फॉर्मूला पर अप्लाई करना है और उसके बाद डाउन एरो से यूज इन फॉर्मूला ऑप्शन में डिफाइंड नेम जो फॉर्मूला स्टेप पर होता है हमारा वहां से हमें यूनिट सॉल्व डिस्प्ले करना है हो जाता है से द नेम गेट्स पेस्टेड इन द फॉर्मूला नाउ टाइप ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉर्मूला डेफिनेशन द फॉर्मूला वुड लुक लाइक यूनिट इक्वल टू सम

रेंज का एक नाम हमने डिफाइन कर दिया है उसके बाद फॉर्मूला स्टैटिक बन जाता है और कॉपी नहीं कर पाता उसके बाद है। हम रेंज नेम को कैसे मैनेज करते हैं कैसे हम उसको एडिट करते हैं और कैसे उसको हम डिलीट करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि हम उसको एडिट कैसे करते हैं तो क्लिक ऑन द नेम मैनेजर ऑप्शन ऑन द फॉर्मूलाज इन द डिफाइंड नेम्स ग्रुप नेम्स ग्रुप में जो भी फॉर्मूला टाइप पर होता है हमें नेम मैसेंजर पर चूज करना है द नेम मैसेंजर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स डिस्प्ले ऑल द नेम रेंज इन द वर्कशीट जो भी हमारी वर्कशीट है उसके अंदर हमें नेम मैसेंजर डायलॉग बॉक्स अपियर हो जाएगा जहां से हम चेंज जो हमने रेंज नेम दिया था वहां से हम चेंज नेम कर सकते हैं कैसे एडिट पर क्लिक करके और एडिट ऑप्शन चूज करके हम वहां से नाम अपना चेंज कर सकते हैं ऑन दैट क्लिक ऑन द ओके और हम वहां से हमारा मोडिफाइड नेम्स हो जाएगा और डिलीट करने की बात करते हैं तो डिलीट कैसे करता है तो वहीं हमें जाना है फॉर्मूला टैप के अंदर डिफाइंड नेम्स ग्रुप के अंदर नेम मैसेंजर डायलॉग बॉक्स जो नेम मैसेंजर है उस ऑप्शन को क्लिक करना है और नेम मैसेंजर डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा वहां से हमें एडिट करने के लिए हमने एडिट ऑप्शन यूज किया था और यहां पर हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पर डिलीट बटन को क्लिक करेंगे ए मैसेज बॉक्स विल बी डिस्प्लेड फॉर ए कंफर्मेशन। जैसे ही हम डिलीट का ऑप्शन बटन चूज करेंगे तो वहां पर हमें एक मैसेज डिस्प्ले होगा और वहाँ पर हम क्या करेंगे ओके क्लिक क्लिक कर देंगे ओके चूज कर लेंगे उसके बाद हमारा वहां से रेंज नेम delete ho jayega. now chapter is complete this session is completed okay have a good day thank you